बहराइच में जनसभा को संबोधित करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा और बसपा भाजपा के लोकप्रियता से हताश और निराश है। 11 मार्च को शांतिपूर्वक मतदान संपन्न कराने के लिए प्रशासन तैयार, जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी विस्तृत जानकारी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धोखेबाज पार्टी है सपा और बसपा, इन पार्टियों पर विश्वास करने की जरूरत नहीं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे ने गोरखपुर न्यूज से विशेष बातचीत के दौरान कहा कि कई पार्टियों से गठबंधन और समर्थन सपा की थी राजनैतिक मजबूरी। लोकसभा के उपचुनाव में सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने किए व्यापक इंतजाम। 10,000 से अधिक वर्दीधारी, 32 सीआरपीएफ की कंपनी और पीएसी के जवान करेंगे निगरानी। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता में कहा, अपराधियों को ब्रांड एम्बेसडर बनाती है सपा। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने की प्रेस वार्ता, कहा प्रदेश की जनता इस उपचुनाव में देगी भाजपा को करारा जवाब। पीएल पुनिया ने कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर सुरीता करीम के पक्ष में की प्रेस वार्ता, कहा विकास के नाम पर देगी जनता विपक्षियों को जवाब। सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट, अर्धसैनिक तथा पुलिसकर्मियों को डीएम एसएसपी ने निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए दिए टिप्स। 10 मार्च को बूथों पर से रवाना होगी पोलिंग पार्टियां, तैयारी में जुटे मतदान कर्मी। भाजपा के पूर्व प्रदेश महामंत्री व पूर्व विधान परिषद सदस्य विंध्यासिनी कुमार ने पत्रकार वार्ता में कहा, रिकॉर्ड मतों से विजयी होगी पार्टी। विराट कोहली का नाम मतदाता सूची में दर्ज होने पर डीएम तथा रिटर्निंग ऑफिसर ने लिया एक्शन, निर्वाचन आयोग को दी जानकारी। मतदान कर्मियों को अंतिम बार दिया गया प्रशिक्षण, 10 मार्च को रवाना होगी पोलिंग पार्टियां। और हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी की 47वीं पुण्यतिथि पर आयोजित गीता वाटिका में श्रीमद् भगवत महापुराण का पाठ सुनकर भाव विभोर हुए श्रद्धालु।